किसानों के लाभकारी मूल्य को लेकर भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत द्वारा शुक्रवार को इंदौर के प्रेस क्लब पर आगामी आंदोलन की जानकारी के लिए प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें भारतीय किसान संघ ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। 8 सितंबर से देश भर के जिला केंद्रों पर एक दिवसीय धरने के साथ भारतीय किसान संघ देशव्यापी आंदोलन करने पर मजबूर होगा और जिसकी सारी जवाबदारी केंद्र सरकार की होगी। भारतीय किसान संघ ने लाभकारी मूल्य किसानों को मिले इस मुद्दे को लेकर के केवल एक मुद्दे को लेकर के देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया। सकारात्मक रूप नहीं दिखाती है। आने वाले 8 सितंबर को किसान धरना होगा और मैं ज्ञापन दूँगी, अगर उसके बाद भी सरकार आंदोलन करती तो हम उसके बाद बैठ करके अभी रणनीति बनाएंगे। उसके ऊपर पूरा माल बिके, बिकने की तात्पर्य है कि सरकार को जितनी जरूरत होगी उतना खरीदेगी, लेकिन चाहे मंडी में बिके उचित मूल्य से कम के ऊपर खरीदना बेचना अपराध माना जाता है और उसके लिए कठोर कानून होता है। ठीक है, जन आंदोलन होते हैं इसलिए ये तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे 30 लाख सदस्य हैं, अलावा भी किसान आते हैं, कई सदस्य भी नहीं आ पाते, इसलिए एक कोशिश की। राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय किसान संघ आंदोलन में जन आंदोलन होते हैं इसमें ये तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे 30 लाख सदस्य हैं भारतीय किसान संघ के, और हम सदस्यों के अलावा भी किसान आते हैं, कई सदस्य भी नहीं आ पाते हैं, इसलिए कोशिश की जाती है। कोरोना का कितना प्रभाव रहेगा उस दिन और बरसात का कैसा रहेगा, और ये दोनों अगर अनुकूल रहे संख्या अच्छी है, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर किसान बहुत लालायित है। क्या सरकार से संबंध में कोई चर्चा हुई आप तक आपने? सरकार से चर्चा जब हमने मुद्दा अब उठाया है तो सरकार बुलाएगी, चर्चा करेगी तो चर्चा भी होगी, चर्चा कर लेगी तो ये आंदोलन बदल भी सकता है। हाँ, चर्चा करेगी दे देगी तो आंदोलन क्यों करेंगे, किसान अपना काम छोड़ के क्यों आएगा।